नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए अनलॉक लागू कर दिया गया है, जिसके तहत नया नियम 7 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक लागू किया गया है। यानी कि नए नियमों में सरकार ने इस बार ज्यादा छूट देने का प्रावधान दिया है और कई चीजों को अभी भी बंद ही रखा है। इसके साथ ही अगर हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से जारी किए गए नियमों की बात करें तो दुकान और प्रतिष्ठान को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत दुकान प्रतिष्ठानों का संचालन कुछ शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। दुकानों प्रतिष्ठानों में काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों और आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही दुकान और प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानक यानी कि 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए सरकार ने साफ साफ अपना आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही दुकानों प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही काम करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी दुकानदारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि टीकाकरण की सारी जानकारी स्थानीय थाने में दी जाए। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान को लेकर भी बीते दिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय, जिसमें नवीं से 12वीं कक्षा तक के लिए कुल छात्रों के 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच करके विद्यालय आ सकेंगे। 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये विद्यालय जो है वो 16 अगस्त से खोले जाएंगे, जिसके तहत 50% उपस्थिति के साथ ही छात्र जो है स्कूल जाएंगे। और उसके पहले शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में समुचित साफ सफाई और सैनिटाइजेशन भी सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच करके विद्यालय आ सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी फिलहाल उपलब्ध रखा जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षु 1 दिन बीच करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को लेकर भी आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा। राज्य सरकार के आयोग, परिषद, बोर्डो और अन्य समतुल्य संस्थान द्वारा नियुक्ति एवं विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ ही अनुमान्य होगा। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र छात्राओं, शिक्षक और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करने का आदेश भी जारी किया गया है। 10वीं कक्षा से ऊपर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच करके कोचिंग संस्थान आ सकेगा। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जाएगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी अहम आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति होगी। पहले 50% यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति थी, लेकिन एक और बात जो इसमें जोड़ी गई है वो ये है कि खड़े होकर के या बस की छत पर बैठ के यात्रा की अनुमति अभी भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50% के उपयोग के साथ शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल भी 1 दिन बीच करके 7 बजे तक खुल सकेंगे। अभी तक शॉपिंग मॉल नहीं खोले गए थे, लेकिन कोविड-19 के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शॉपिंग मॉल को खोलने का आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी या फिर निजी पर पूरी तरीके से अभी भी रोक रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी करवाया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो प्रावधान पहले जो लागू किए गए थे वैसे ही लागू रहेंगे, जिसमें सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खोले जाएंगे। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल जो है क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन भी आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता से अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा।
इसके अलावा विवाह समारोह में अभी भी 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की ही अधिसीमा रहेगी। सभी पार्क और उद्यान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। इसके अलावा 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये भी पहले की तरह लागू है, यानी रात के 9 बजे से 5 बजे तक किसी भी निजी वाहनों को सड़कों पर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के संलग्न वाहन और स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन जो है वो आ जा सकेंगे, लेकिन इसमें कोई निजी वाहन नहीं आ जा सकेंगे। पैदल चलने वालों को पूरी तरीके से इसमें छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन फिलहाल प्रतिबंधित रहेंगे। और सरकार की यही कोशिश है कि फिलहाल जो अनलॉक के नियमों को लागू किया गया है उसमें जरूरी सेवाओं पर किसी भी तरीके की रोक टोक ना लगाई जाए, यानी कि जरूरी सेवाएं जो भी है वो पहले की तरह ही लागू रहेंगी। सिर्फ जो चीजें बंद थी उसको इस बार 7 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के लिए जारी किए गए गाइडलाइन में छूट दी गई है, जिसके बाद सभी आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को छूट भी दी जाए और कोरोना संक्रमण भी ना फैले। हालांकि ये नियम जो है वो 7 अगस्त से लागू होने वाले हैं। उसके बाद मामलों में बढ़ोतरी होती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।